मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बात करेंगे आज की अर्थात वर्तमान की, और आज से जो आशय है वो है 4 नवंबर 2022। जानेंगे कि किस राशि के लिए ये दिन कैसा रहने वाला है, किस प्रकार से हमें अपने महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं। दिन शुक्रवार का है और खास इसलिए है क्योंकि देव उठनी एकादशी है। जी हाँ, अब शादी विवाह का जो समारोहों का जो सिलसिला है वो प्रारंभ हो जाएगा। और भारतीय शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु अब निद्रा से जाग चुके हैं। साथियों, जो शुभ समय है, आपको यदि किसी भी शुभ कार्य की, महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करनी है, निर्णय लेना है, तो अभिजीत मुहूर्त है 11:42 से लेकर के 12:26 के बीच में। साथियों, जो भी हम चाहें वो आज ही हम पा सकते हैं, जो भी हम चाहें वो पा सकते हैं। कमी कहीं ना कहीं हमारे स्वयं के अंदर होती है। मुझे याद आ रहा है कि एक बार गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे और उनका प्रवास इसी प्रकार से होता था, जिस गांव से गुजरते थे वहां पर अपनी कुछ बातें कह करके फिर वो आगे अपने प्रवास पर चले जाते थे। ऐसे ही जब वो किसी एक गांव में रुके हुए थे तो एक बड़ बोला, एक तर्कहीन, एक ज्यादा समझदार व्यक्ति उनके पास में आया और कहा कि बुद्ध देव, भगवान जी, आप तो ये तो कहते हैं कि जो भी चाहे व्यक्ति वो पा सकता है, आप कहते हैं कि हर एक व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है, तो फिर हर एक व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर क्यों नहीं लेता। उन्होंने एक बहुत छोटा सा कार्य दिया उस महाशय को कि ये पेन और ये पेपर रहा, इस गांव में बहुत छोटी सी इसकी जनसंख्या है, आप पूछ करके आइए, जाइए कि कितने लोग क्या क्या चाहते हैं, उनसे सवाल पूछना कि आप जीवन में क्या क्या चाहते हैं, और शाम को मेरे पास में वापस आ जाना। वो गया, घर घर घूमा और वापस शाम को संध्या काल को गौतम बुद्ध के पास में आकर के बैठा और उसके चेहरे के जो भाव थे वो बता रहे थे कि उसको उसका उत्तर मिल चुका है। गांव के एक एक व्यक्ति से, महिला से, वृद्ध से, युवक से, युवती से, बच्चों से, सबसे, अमीर से, गरीब से प्रश्न पूछा। किसी की इच्छा बड़े घर की थी, किसी की बड़ी गाड़ी, किसी की सुंदर स्त्री, किसी की सोने जवाहरात की इच्छा थी, किसी ने भी अपनी इच्छा के रूप में मोक्ष को नहीं लिखा था, परमात्मा को पाने का नहीं लिखा था, सत्य का ज्ञान होने का नहीं लिखा था। तो उसका उत्तर उसको मिल गया। कहने का अर्थ साथियों केवल इतना ही है कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिल ही जाता है। प्रयास कई बार थोड़े ज्यादा करने पड़ते हैं, कई बार किस्मत अच्छी होती है तो कम प्रयास में ही मिल जाते हैं, परंतु मिलते हैं आज ही, इसलिए आज का अर्थात तो क्रियमाण का सर्वाधिक महत्व है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मन मुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो बात आज की ही कर रहे हैं, 4 नवंबर 2022 की शुरुआत करते हैं साथियों मेष राशि से। साथियों, मेष राशि के ऐसे जातक जो अपने घर से, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के कहीं पर कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए श्रेष्ठतम घटित आज अवश्य होगा। उनकी लंबे समय से जो अधूरी इच्छा है वो पूरी करने का एक सूत्र उनके हाथ में नजर आ जाएगा, हाथ में लग जाएगा। दुनिया की किसी भी बात पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। आपके विरोधी क्या कह रहे हैं, आपका पड़ोसी क्या कह रहा है, आपके कलीग क्या कह रहे हैं, आपका अधिकारी या अधीनस्थ क्या कह रहा है, ध्यान मत दीजिए, केवल अपना कार्य करते रहिए। जितना इग्नोर करेंगे लोगों को उतना ही आज के दिन को आप श्रेष्ठ बना पाएंगे। और शुरुआत जो है, मैं समझता हूं कि लगभग 25% आपकी सकारात्मक हो चुकी है और बाकी का जो 75% कार्य है वो भी अतिशीघ्र आपका संपन्न हो जाएगा। वृषभ राशि के जो जातक हैं उनको खास तौर पर, यदि उनके घर पर छोटे बच्चे हैं, उनके स्वयं के बच्चे हैं, उनके तबीयत को लेकर के बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।
अगर थोड़ा बहुत भी वो बीमार है तो उसको ठीक से डॉक्टर के पास लेकर के जाएं, जो भी आपके स्तर पर आप इलाज कर सकें वो कराएं, क्योंकि यदि आप अभी ध्यान नहीं देंगे, साथ ही ये बात पालतू आपके घर में कोई पशु है पक्षी है उस पर भी स्पष्ट रूप से लागू होती है। घर का जो वातावरण है वो कलहपूर्ण होगा, परंतु आप शांति बनाए रखें, आप मौन बनाए रखें, आप अपने मुंह पर ताला लगा करके रखें, थोड़ी ही देर में वो जो कलह है वो स्वयं ही शांत हो जाएगी। जो निरंतरता की आप उम्मीद कर रहे थे लंबे समय से, उस निरंतरता में कहीं ना कहीं जो रुकावट है वो आज देखी जाएगी। साथियों, मिथुन राशि, आगे की जो तस्वीर है, दूरदर्शिता की जब हम बात करते हैं कि आगे क्या करना है, जब कंफ्यूजन की स्थिति क्लियर हो जाती है, जब दर्पण पर जो मिट्टी है उसको हटा दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है, तब हमें तस्वीर साफ नजर आती है। वैसे भी आपको तस्वीर जो आगे की है, भविष्य की है, उसकी झलक साफ साफ नजर आ जाएगी। और इसमें सबसे सकारात्मक बिंदु है कि वो जो तस्वीर है वो पॉजिटिव है, खुशनुमा है। सौंदर्य की वृद्धि के जो उपक्रम हैं वो महिलाएं करेंगी और करना ही चाहिए। अपने आप को अप टू डेट रखना, नहीं ये केवल हम भारत में क्या है कि महिलाओं से इसको जोड़ करके देख लेते हैं, परंतु आप स्वस्थ रहें, मानसिक तौर पर शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहें, ये आपका स्वयं का बहुत बड़ा दायित्व, बहुत बड़ा कर्तव्य है। तो सौंदर्य वृद्धि के आप प्रयास जरूर करें, इसका आपको लाभ लंबे समय तक बना रहेगा, तुरंत भी मिलेगा। और सरकारी सेवा में जो कार्यरत है मिथुन राशि के जातक, उनको आज कार्यों को लेकर के झुंझलाहट हो सकती है, उनको कोई ऐसा कार्य ऐसा दायित्व सौंपा जा सकता है जिसको वो करना ना पसंद करते हैं। साथियों, जो कर्क राशि के जातक है उनको खान पान में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, अपनी जिह्वा पर अपने स्वाद पर कंट्रोल करें, नहीं तो आगे चल करके ये बड़ा महंगा पड़ सकता है। यदि आप बाहर जा रहे हैं, बाहर घूमने के उद्देश्य से जा रहे हैं, किसी दूसरे उद्देश्य से भी जा रहे हैं, तो अतिरिक्त सावधानी आपको बरतनी चाहिए। और साथ ही अपने कार्यस्थल पर बहुत सावधानी रखें, क्योंकि झूठे आरोपों का जो सामना है वो भी आपको करना पड़ सकता है। सिंह राशि के जो जातक हैं वो किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात जरूर करेंगे जो उनका हालचाल पूछेगा। कई बार केवल हालचाल पूछ लेना ही आधी तबीयत ठीक कर देता है। किसी पुराने मित्र, किसी भूले भटके रिश्तेदार, किसी अपने का आपके कार्य के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके जीवन के बारे में जानने का जो एहसास है वो गहराई से हमें अंदर से कहीं ना कहीं बहुत सुखद एहसास प्रदान करता है। राजकीय सेवा में जो है, गवर्नमेंट जॉब में है, उनको एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अपने पद स्थापना को लेकर के, पदोन्नति को लेकर के, उनके किसी भी प्रकार के चयन को लेकर के, जमीन के सौदे को यदि आप लंबे समय से करने का प्रयास कर रहे थे, खरीदने का प्रयास कर रहे थे, उसके लिए भी दिन जो है वो सर्वोत्तम आपके लिए ये रहेगा। साथियों, कन्या राशि के जो जातक है वो बेहतर की तरफ बढ़ेंगे, और बेहतर की तरफ बढ़ना एक प्रक्रिया है, एक निरंतर स्थिति है, कभी भी इसमें एक विराम चाहे थोड़ी देर के लिए आ जाए, परंतु मंजिल जो है वो इसमें कभी भी नहीं आती। और मंजिल मिल भी जाए तो तुरंत फिर नया गोल, नई मंजिल निर्धारित हो जाती है, और उसी रास्ते पर धीरे धीरे हमको आगे बढ़ना होता ही है। जो भी निर्णय आप लेते हैं शांतिपूर्वक लें, विवेकपूर्ण लें, सुरति में रहते हुए ले, तो आपके पक्ष में जरूर फैसला आएगा। लंबे समय से जिस खुशखबरी, जिस पल का आप इंतजार कर रहे थे वो आज आपको अवश्य ही मिलेगा। और बात तुला राशि की, साथियों, टीम भावना से यदि आप कार्य करते हैं, और वो टीम भावना केवल आपके शब्दों में नहीं, आपके दिल में भी होनी चाहिए, आपके दिमाग में भी होनी चाहिए। और टीम भावना से यदि आप काम करेंगे तो पूरी टीम के साथ में आपका भी भला होना सुनिश्चित है। पहले जो आपने प्रयास किए थे उसका आज आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, और आपको अपनी संस्थान से, अपने इंस्टीट्यूशन से, अपने डिपार्टमेंट से सराहना जो मिलेगी उसका तो फिर कहना ही क्या।
साथियों, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको प्रकृति अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही है। जब प्रकृति, जब कुदरत, जब नेचर अपना आशीर्वाद प्रदान करती है, तब कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला देता है तो वो छप्पर फाड़ करके देता है। तो ऐसी स्थिति नजर आ रही है, नए रूप में आपके चीजें जो है वो सामने आएंगी, नए कलेवर में चीजें सामने आएगी और समृद्धि की जो राह है वो आपकी अवश्य ही खुलेगी। साथियों, धनु राशि स्थान परिवर्तन को लेकर के जिस सूचना का इंतजार कर रहे थे वो आपको अवश्य मिलेगी। खासतौर पर जो सरकारी सेवा में है या मान लीजिए प्राइवेट सर्विस में भी है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में है, तो पदोन्नति को लेकर के और उनके अपने चयनित पद को लेकर के उनको सराहना उनके बॉस की तरफ से अवश्य ही मिलेगी। साथियों, मकर राशि के जो जातक हैं वो खतरा लेकर के भी आगे बढ़ जाएं, थोड़ा ज्यादा यदि रिस्क लेना भी है तो आपको वो रिस्क ले लेना चाहिए, क्योंकि उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही मीठा होने वाला है आगे चल करके आपके लिए। और खास तौर पर आपके जो अधीनस्थ है, जो सबोर्डिनेट है, जो आपके अंडर टीम है, उसका सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा और उससे आपका उत्साह जो है वो भी वर्धित होगा। और खास तौर पर महिलाओं से लाभ का ये दिन आपका सुनिश्चित रहने वाला है। साथियों, कुंभ राशि के जो जातक हैं वो ग्रह कलेश से परेशान रहेंगे, वो ही घिसी पिटी बातें, वो ही घिसे पिटे डायलॉग, वो ही घिसी पिटी सारी चीजें रूटीन की जो है वो ग्रह कलेश का आपके कारण बनेगी। कोई भी नया या बड़ा कारण नहीं आएगा, अपनी बात न कह पाने का आपको मलाल हो सकता है कि मैंने ये बात अपनी नहीं कही है, परंतु कोई बात नहीं, कई बार मन महसूस कर रह जाना हमारे लिए ही आगे चल करके बड़े अच्छे परिणाम लेकर के आता है। साथियों, प्रयास की जो विफलता है वो अंदर से तोड़ तो देती है हमें, परंतु प्रयास हमें आगे करते ही रहने होंगे, खासतौर पर रिश्तों को और अपनों को अपना बनाए रखने के उद्देश्य से। साथियों, मीन राशि के जो जातक हैं वो बाहर जाते हुए खास सावधानी बरतें, स्वयं को लेकर के, बच्चों को लेकर के, खासतौर पर ये महिलाओं को कहना चाहूंगा, उनके जो बिलोंगिंग्स हैं उसको लेकर के। मौसमी बीमारियां जो है उससे सावधानी ही आपके लिए बचाव है, और यदि आपके पास में मौजूदा जो वस्तुएं हैं आपके, चाहे पर्सनल यूज की हो, घर के यूज की हो, यदि वो है तो जिस चीज की आपको आवश्यकता नहीं है उसको खरीदने से आज आपको बचना चाहिए। तो साथियों, ये था आज का राशिफल। तो आपसे कल पुनः भेंट होती है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।